अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ेंगे वो इस्लामिक स्टडीज़ का जो कोर्स है वो हम स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, ये तो लेक्चर नंबर 1 है। अब आज जो है ना, हम इस्लाम को पढ़ेंगे, जो हमारा जो रिलीजन इस्लाम है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो एक मिनट में उठा लूँ। ठीक है, तो इस्लाम इज़ दी सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन दी वर्ल्ड आफ्टर क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो फर्स्ट नंबर पे जो है ना, पूरे जो दुनिया है उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। ठीक है, तो इस्लाम जो है ना वो सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो ऐसे जो है ना क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद रखने हैं। जो इस्लाम है वो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है इन दी वर्ल्ड। ठीक है, आफ्टर क्रिश्चियनिटी। और द वर्ड इस्लाम मीन्स सबमिशन टू दी विल ऑफ गॉड। ठीक है, जो द वर्ड इस्लाम मीन उसकी मतलब क्या है, सबमिशन ऑफ सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। ठीक है, अब फॉलोअर्स ऑफ द इस्लाम इज कॉल्ड मुस्लिम्स। जो जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उसको हम मुस्लिम कहते हैं। एंड मुस्लिम आर मोनोथियस्टिक एंड वर्शिप वन ऑल नोइंग गॉड। ठीक है, तो ये मुस्लिम होते हैं वो मोनोथियस्टिक हैं, वो एक ही खुदा की जो है ना इबादत करते हैं, जिसको हम गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं। ये गॉड इंग्लिश में कहते हैं और हम जो अरेबिक में अल्लाह उसको कहते हैं, जिसको हम खुदा भी मानते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल ऑफ द इस्लाम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यार मुझसे कोई गलती हो जाए, ये इस्लामिक स्टडीज़ है, अगर मुझसे गलती हो जाए तो जो है मुझे माफ़ कर देना। और जब भी हुजूर करम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम आ जाए तो जो है ना आप सारे दुरूद शरीफ पढ़ना और मैं भी इंशाल्लाह पढ़ूंगा, क्योंकि वो हमारा पर फ़र्ज़ बन जाता है कि जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम आ जाए तो हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम आर्टिकल ऑफ द इस्लाम पढ़ रहे हैं। देयर आर 5 आर्टिकल ऑफ द इस्लाम। कितने आर्टिकल्स हैं? देयर आर 5 आर्टिकल ऑफ द इस्लाम। पहला कौन सा है? बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, जिसको हम तौहीद कहते हैं, खुदा पे यकीन रखना कि खुदा एक है। ठीक है, बिलीव इन एंजल्स, जो हमारे फरिश्ते हैं उन पर बिलीव रखना। बिलीव इन होली बुक्स, जो हमारे होली किताब से हैं, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान शरीफ, उस पर जो है बिलीव रखना। बिलीव ऑन दी प्रॉफिटहुड। ठीक है, एंड बिलीव इन दी डे ऑफ जजमेंट, जब वो क़यामत आएगी हम पे, हमको ये बिलीव है कि क़यामत ज़रूर आएंगे। ठीक है, ये जो है 5 जो है ना आर्टिकल इस्लाम है, जो वो पढ़े ना, आमनतु बिल्लाह कमा हुआ, सॉरी। ये है इम्पोर्टेंट एंजल्स, हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एंजल्स आज ही इसी जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इम्पोर्टेंट एंजल्स में क्या पढ़ेंगे? बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंजल्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ द फेथ इन इस्लाम। ठीक है, हमने ऊपर ही पढ़ा कि एंजल्स पे जो है ना बिलीव करना भी हमारा क्या है, ये आर्टिकल ऑफ इस्लाम है। ठीक है, एंजल्स आर क्रिएटेड बाई द गॉड फ्राम द लाइट, जिसको हम नूर कहते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि जो जो एंजल्स हैं वो किस चीज़ से बनाए गए हैं, वो नूर से बनाए गए हैं। देयर आर दिस सम इम्पोर्टेंट एंजल्स इन इस्लाम आर, ये कुछ इम्पोर्टेंट एंजल्स हैं उसको हम इसी जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो कौन से हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ही इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंजल्स। ठीक है, जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है वो इम्पोर्टेंट एंजल हैं, सभी जो हैं जो हमारे जो फरिश्ते हैं उसमें से ये अहम है। एक इज़ एंजल ऑफ द रिवील्ड द होली कुरान टू द प्रॉफेट मोहम्मद पीस ए सलाम। ठीक है, तो जब भी कोई भी वही वगैरह होती या कुछ भी जो भी वही वगैरह लेके आते थे, वो कौन लेके आते थे? वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते थे। और जो है ना, ही इज़ आल्सो कम्युनिकेटेड विद दी ऑल प्रॉफिट एंड जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे वो सब जो भी जो है प्रॉफिट से उससे कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि वो अल्लाह का जो भी हुक्म होता था वो जो है ना पैगम्बरों तक वो जो है पूछा था, कोई भी वही वगैरह सहीफे वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, ब्रिंगिंग डाउन अल्लाह ब्लेसिंग ऑन द लैलतुल कद्र। ठीक है, द नाइट ऑफ द पावर्स, जो हम लैलतुल कद्र है उसको हम द नाइट ऑफ द पावर्स भी कहते हैं। ऑन वन ऑफ द लास्ट 10 रमदान। ठीक है, जो आखिर लैलतुल कद्र की जो रात है वो कब आती है? आखिर जो अशरा होता है रमज़ान का उसमें आता है, जो 21st रमज़ान, 23rd, 25th, 27th, इसमें जो है ज़्यादा जो है चांस होते हैं लैलतुल कद्र की रात का। अब
He is also responsible for the bringing punishment to on the on to the nation who do many wrongs. ठीक है, जैसे पैगम ज़्यादा पैगंबर होते थे उसकी जो उम्मतों पे जो अजाब आते थे वो उसका रिस्पॉन्सिबल मतलब कि वो कौन लाता था, वो अल्लाह के हुक्म से जो है ना हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है ना अजाब नाज़िल फरमाता था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इज मेंशन्ड इन द होली कुरान इन सेवरल टाइम। जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है वो जो है बहुत बार कुरान शरीफ में उसका उसका नेम मतलब कि मेंशन हुआ है। अब हज़रत मीकल अलैहिस्सलाम का डिस्कस करेंगे। जो पहले पहले चार हैं ना हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकल अलैहिस्सलाम, ये जो है ना कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्टिंग द रेन एंड विंड्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। ठीक है, जब भी खुदा चाहता है को जब भी खुदा चाहता है तो इसकी हज़रत मीकल अलैहिस्सलाम क्या करता है कि अल्लाह ताला के जो है ना हुक्म मानते हुए जो भी बरसात वगैरह होती है या तूफान वगैरह आता है उस पर ये रिस्पॉन्सिबल है वो किया था है। ठीक है, अब हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम ही इज़ आल्सो नोन एज मलकुल मौत। ठीक है, जो हमारी जो रूह जो है निकालता है वो हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम का, जिसको एंजल ऑफ द डेथ भी कहते हैं, मतलब कि जो जो है ना लोगों को जो उसका रूह है वो परवाज करता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पार्टिंग द सोल फ्राम द बॉडी। ठीक है, तो वो रूह निकालता है। ही इज़ ओनली रिफर्ड इज मलकुल मौत। ठीक है, मलकुल मौत उसको कहा गया है, मीनिंग एंजल ऑफ द डेथ इन द होली कुरान। जो हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम है उसको जो है मलकुल मौत कहा गया है, मतलब कि जो एंजल ऑफ द डेथ कहा गया है कुरान शरीफ में। अब हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लूमिंग द ट्रम्पेट दैट विल साइन द एंड ऑफ द टाइम ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये जो है एक सूर फूके का क़यामत वाले दिन, ये भी उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम की। ये आपको याद रखना है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीका अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका क्या क्या काम होंगे वो जो है आपको याद रखने हैं। तो ये जो है टेस्ट में ज़्यादातर आते हैं। अब मालिक है ये जो फरिश्ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द मेन गार्डन ऑफ द हेल। ठीक है, जो जहन्नम में उसका जो है ना ये मेन गार्डन है। अब मुनकिर और नकिर पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ एंजल हु क्वेश्चंस ह्यूमन अपॉन डेथ इज टू देयर बिलीफ। वो जो मुनकिर नकिर है, जब भी हमें जो है दफनाया जाता है कब्र में तो वो मुनकिर और नकिर जो है जो आपकी जो जब मतलब कि वफात हो जाती है तो जब वो कब्र में मतलब कि हमें दफनाते हैं उसके बाद ये मुनकिर और नकीर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन होते हैं, हु इज़ योर गॉड। ठीक है, आपका खुदा कौन है, हु इज़ योर प्रॉफिट, आपका नबी कौन है, एंड व्हाट इज़ योर रिलीजन, आपका जो है मज़हब कौन सा है। जो है ना ये क्वेश्चन तीन पूछते हैं, ये आपको याद करने हैं। जो मुनकिर और नकीर कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं वो जो है ना आपको ये याद होने चाहिए तीन। दे पनिश दोस इन द ग्रेव हु डिड नॉट बिलीव और वर बेड एंड डिसोबीडेंट इन देयर लिव्स। ठीक है, जब वो ज़िंदा होते हैं जो जो भी आदमी ज़िंदा होता है अगर वो अच्छे काम करता है तो ये जो है पनिशमेंट नहीं देते, अगर वो बुरा काम करता है तो वो क्या करते हैं उस पे पनिशमेंट करते हैं अगर वो मतलब ये गलत काम करके गया हो। अब किरामन कातबीन। ठीक है, किरामन कातबीन का क्या काम है, दीज टू एंजल्स सिट ऑन द एवरी पर्सन राइट एंड लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, जो हमारे राइट एंड लेफ्ट शोल्डर है उस पे ये बैठे होते हैं। जो हम अच्छे काम करते हैं वो भी लिखते हैं और जो हम बुरे काम करते हैं वो भी लिखते हैं। ठीक है, किरामन कातबीन ये दो फरिश्ते हैं, एक लेफ्ट आर्म में होता है, एक लेफ्ट शोल्डर पे होता है, एक राइट शोल्डर पे। जो हमारा जो भी जो हम अच्छे काम करते हैं बुरे काम करते हैं उसका रिकॉर्ड ये लिखते हैं और जो क़यामत वाले दिन वो पेश करेंगे। ठीक है, देयर आर 19 एंजल्स ऑफ द हेल। ठीक है, जो जहन्नम के हैं वो 19 फरिश्ते हैं। सेवन एंजल्स आर मेंशन्ड इन द होली कुरान। सात जो फरिश्ते हैं वो कुरान शरीफ जो हमारा पाक कलाम है उसमें मेंशन है, उसका नाम आया हुआ है। द स्टडी ऑफ द एंजल्स इज़ कॉल्ड एनोलॉजी एंजियोलॉजी। ठीक है,
जब भी हम जब भी फरिश्तों के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो उस को हम क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इज़ रिफर्ड इन द होली कुरान इज़ अ रूह एंड रूहुल कुद्दस, जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान शरीफ मतलब के वो रूह भी कहा गया है एंड रूहुल कुद्दस भी कहा गया है। जैसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को जो है मलकुल मौत कहा गया है, ऐसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अर्रूह एंड रूहुल कुद्दस भी कहा गया है। द रियल नेम ऑफ जिब्राइल इज़ अब्दुल्ला। ठीक है, जो जो फरिश्ता है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उसका जो नेम है असर रियल नेम वो अब्दुल्ला है। दे आर फोर एंजल्स आर द लीडर ऑफ द एंजल्स। ठीक है, जो चार फरिश्ते हैं वो सब जो भी एंजल्स हैं, जो भी फरिश्ते हैं उसके ये वो लीडर हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये चार फरिश्ते हैं जो सब जो एंजल्स हैं उसके ये लीडर्स हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम इज़ द इमाम ऑफ़ द एंजल्स इन बैतुल मामूर। ठीक है, जो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं वो इमाम हैं जो फरिश्तों के बैतुल मामूर में। अब बैतुल मामूर क्या है, वेयर एंजल्स परफॉर्म पिलग्रिमेज। ठीक है, जहाँ पे वो हज वगैरह अदा करते हैं तो वो उसको हम बैतुल मामूर कहते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर था। अब जो है ना, अगर आप नए हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, क्योंकि यार जो है ना हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए आपको, तो आप जो है सब्सक्राइब कर दें हमारा यूट्यूब चैनल, और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की, इस्लामिक स्टडीज़ की, जनरल नॉलेज की, जो भी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़। 2 माई YouTube चैनल। आज हम जो है इस्लामिक स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। जो पहले लेक्चर में हमने इस्लाम को डिस्कस किया था और जो इम्पोर्टेंट एंजल्स हैं उसको डिस्कस किया था, उसका क्या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी हमने डिस्कस की थी। तो आज जो है हमने जो प्रॉफिट्स हैं उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। अगर भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए तो जो है आप सब जो है दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना, और मैं भी इंशाल्लाह पढ़ूंगा। अब देयर आर 25 प्रॉफिट्स आर मेंशन इन द होली कुरान। ठीक है, ये भी जो है ना ज़्यादातर जो है टेस्टेंट्स में पूछा जाता है कि हज़रत जो भी प्रॉफिट्स हैं उसमें कुरान शरीफ में कितने प्रॉफिट का नाम मेंशन है, वो 25 का ये पूछा जाता है ज़्यादातर को, मतलब ये क्वेश्चन। वो कौन कौन से हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एंड हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत अलयसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दुलफिल अलैहिस्सलाम। यार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर देना यार, क्योंकि थोड़े से डिफरेंट है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एंड हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो हमारे प्यारे नबी हैं, और जो है ना अगर उसका नाम आ जाए तो हम दुरूद शरीफ पढ़ें। ठीक है, ये जो है ना आप जो है ना किसी एक बुक पे ये जो है लिख दें कौन कौन से प्रॉफिट के जो है ना कुरान शरीफ में नेम आए हैं और कितने के आए हैं, 25 के, और कौन कौन से आए हैं, ये जो है सारे जो आप लिखते हैं। अब जो है ना जो सीक्रेटेड बुक्स हैं वो उसके बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी जो हमारे सीक्रेट किताब हैं, होली बुक्स हैं, उस पर बिलीव करना भी हमारा जो है ना एक आर्टिकल ऑफ इस्लाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे कौन सा जो है ना जो होली बुक का हुआ नाजिल हुआ था, वो तौरात था। ठीक है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे जबूर एंड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील एंड हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे द होली कुरान। ठीक है, ये जो है ना आपको याद करने हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होली कुरान, जो हमारा पाक किताब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज क्रिएटेड ऑन द फ्राइडे 10th मुहर्रम।
ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन में, कौन से दिन पे जो है ना ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था, या कि मतलब ये बनाया गया था, वो फ्राइडे पे गया था और 10 मुहर्रम थी। द अल्लाह सल्लल्लाह सल्लल्लाह द अल्लाह एक्सपेल्ड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत हवा अलैहिस्सलाम फ्रॉम दी गार्डन ऑफ द एडन। ठीक है, ये आप भी पढ़े। द हज़रत आदम नेम वा मीन्स मैन, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो नेम है उसका मतलब क्या है, मैन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लंदन एंड श्रीलंका, जब भी उसको ज़मीन पे उतारा गया था वो कहाँ उतारा गया था, जो श्रीलंका में उसको उतारा गया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैड 3 सन्स, हज़रत आदम सलाम के 3 बच्चे थे, एंड शीश अलैहिस्सलाम वाज़ यंगेस्ट सन ऑफ द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जो शीश अलैहिस्सलाम थे वो जो हज़रत आदम सलाम के यंगेस्ट सन थे, बेटे थे। अबू बशर वाज़ द टाइटल ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ये जो टाइटल्स होते हैं वो जो है ना ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कि कौन से जो पैगंबर का कौन सा जो है ना टाइटल था, ये पूछे जाते हैं। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कौन सा था, अबू बशर। अबू बशर वाज़ द टाइटल ऑफ द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हाइट ऑफ द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज 95 फिट। ठीक है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट थी वो 90 फिट थी, एंड द एज ऑफ द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 90-50 ईयर्स। ठीक है, तो एज ऑफ द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल थी उसकी, एट द टाइम ऑफ द जब वो वफात पा गए थे। द ग्रेव ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इज़ लोकेटेड इन नजफ़ इराक। ये जो है ना आप ये नोट कर दे जाएँ, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। अब जो भी पैगंबर हैं इंशाल्लाह हम सारे उसके जो लाइफ के बारे में, उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना बताऊंगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन से आपको इंशाल्लाह इजीली जो है ना याद हो जाएंगे। तो आप जो है ना ये याद करें कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है वो कहाँ पर है, जो नजफ़ इराक़ में मौजूद है। प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम बिल्ड फर्स्ट मॉस्क ऑन अर्थ, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में पहली जो है मॉस्क जो है ना इस ज़मीन पर बनाई थी। 10 सहीफ़े वार रिवील वर रिवील्ड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो 10 सहीफ़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे मतलब ये नाजिल हुए थे। अब कुछ जो है पैगंबरों को सही पे नाजिल हुए थे, कुछ पैगंबरों को जो पाक किताब नाजिल हुए थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन्हों पे क्या हुए थे, ये इन्हों पे पाक किताब हुए थे, और कुछ हैं जो है जिस पे सही पे नाजिल हुए थे। हज़रत आदम इस्लाम पे जो है कितने सही पे नाजिल हुए थे, वो 10, ये भी आप याद रखें, 10 सही पे जो है हज़रत आदम इस्लाम पर नाजिल हुए थे। 30 सहीफ़े वर रिवील्ड ऑन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के उस पर कितने सहीफ़े नाज़िल हुए थे, वो 30 सहीफ़े। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बिल्ड 180 सिटीज़। ठीक है, जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम था उसने 180 जो है ना शहर बनाए थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वाज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे वो एस्ट्रोनॉमी के जो है बड़े माहिर थे, मतलब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वाज फर्स्ट प्रॉफिट हु नोज राइट। ठीक है, ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर थे जो है ना लिखना जानते थे। पहले जो है ना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले कोई भी जो है पैगंबर लिखना जो है जानता नहीं था। बोट आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इज़ कॉल्ड आर्क, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। 43 टाइम्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मेंशन इन द होली कुरान, तकरीबन 43 टाइम जो है ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो है नेम कुरान शरीफ में मेंशन किया गया है। और हज़रत टाइटल ऑफ द हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज नजीउल्लाह, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है उस जो टाइटल है वो कौन सा है, नजीउल्लाह। ये आप याद रखें, आदम अलैहिस्सलाम का कौन सा टाइटल था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौन सा टाइटल था, ये जो है ना आपको लिखना है। ग्रेव ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इज़ इन जॉर्डन। ठीक है, जो जॉर्डन अभी भी मौजूद है, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कब्र है मुबारक है वो जॉर्डन में अभी भी मौजूद है। द रियल नेम ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज अब्दुल गफ्फार।
जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो रियल नेम क्या था, वो अब्दुल गफ्फार था। आर्क ऑफ द न्यू स्टॉप एट जुदी माउंटेन, ठीक है। तो ये जुदी माउंटेन कहाँ पर मौजूद है, ये जो तुर्की है ना, तुर्की हमारा जो है ना इस्तंबुल वगैरह, इस जो वहाँ पर जो है ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो आर्क थी, वो जो कश्ती थी, वहाँ वहाँ जो है ना स्टॉप, मतलब उस कौन से जबल पर स्टॉप किया था, वो जडी माउंटेन पर स्टॉप किया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम प्रीच 950 ईयर्स, ठीक है। जो उसकी कौम थी उसने जो है ना तकरीबन 950 जो है ना तकरीबन 950 ईयर्स उन पर प्रीच की, उसको जो है ना समझाने की कोशिश की, उस पर जो है ना तबलीग की कि है ना आप जो है ना जो हमारा इस्लाम है उसको कबूल करें और जो है ना अल्लाह को माने, कि अल्लाह को माने। तो बाद में नेशन ऑफ द नूह वाज पनिश्ड थ्रू द फ्लूड एंड लैंड, ठीक है। तो उस पर जो है ना ये अजाब नाजिल हुआ था। मैंने आपको जो है ना पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था कि जो है ना ये पनिशमेंट कौन देता है, कौन सा फरिश्ता देता है, वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम देता है। देयर आर 80 पीपल इन द आर्क ऑफ द नूह अलैहिस्सलाम, तकरीबन जो है ना 80 जो है ना लोग थे, 80 लोग थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसमें सवार थे। नेशन ऑफ द हूद डिस्ट्रॉयड बाई द कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म, जो हज़रत नूह हूद अलैहिस्सलाम की जो नेशन थी उस पर जो है ना कंटिन्यूस जो है ना बरसात चली थी, उसके उसके बाद जो है वो क्या हो गए थे, वो तबाह हो गई थी उसकी कौम। द रियल नेम ऑफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वाज अबीर, ठीक है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जो रियल नेम था वो क्या था, अबीर था। द ग्रेव ऑफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इन सऊदी अरबिया, जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हैं उसकी जो कब्र मुबारक है वो सऊदी अरबिया में मौजूद है। इन दी मंथ ऑफ द रजब अरब यूज टू विजिट द ग्रेव ऑफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, जो है ना जो जब भी रजब आता है ना, रजब का जो मंथ आता है उसमें जो अरब होते हैं वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक की मतलब कि ज़्यारत करने जाते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वाज़ दी अंकल ऑफ़ द हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के क्या थे, चचा थे। और हज़रत साहिल अलैहिस्सलाम 9 टाइम्स मेंशन इन दी होली कुरान, जो है ना अब जो है ना डिफरेंट डिफरेंट पैगंबर जो है ना आते जा रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा परेशान ना होना। यहाँ तक जो है ना हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ख़त्म हो गया, अब हज़रत साहिल अलैहिस्सलाम का जो है मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ। हज़रत साहिल अलैहिस्सलाम 9 टाइम मेंशन इन दी होली कुरान, जो हज़रत साले अलैहिस्सलाम है उसको जो है कुरान शरीफ में तकरीबन 9 बार जो है मेंशन किया गया है। बनी समूद स्लॉटर्ड द शी कैमल ड्यूरिंग दी हज़रत साले अलैहिस्सलाम रहा। ये जो है ना हमारा ये सेकंड लेक्चर था। तो दुआओं में याद रखना, अगर जो है ना आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जो है ना इस्लामिक हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 आज कवर करेंगे। जो है ना पहले पिछले लेक्चर में हम प्रॉफिट के बारे में पढ़े थे, तो जिसने जो नहीं देखे वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है, ठीक है। अब द रिलेशनशिप बिटवीन द हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज़ दी नेफ्यू, ठीक है। जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आपस में क्या मतलब ताल्लुक था, रिलेशन था, वो नेफ्यू थे आपस में। ग्रेव ऑफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इज़ इन इराक, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है वो इराक में मौजूद है। और होमोसेक्सुअलिटी वाज इंट्रोड्यूस इन दी वर्ल्ड बाई दी पीपल ऑफ़ द हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो होमोसेक्सुअलिटी आप समझते हैं, आप ज़्यादा जो है ना होशियार होंगे तो आप ये समझ लेना। देयर आर 70 टाइम्स नेम्ड मेंशन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन होली कुरान, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जो जो नाम मुबारक है वो तकरीबन 17 जो है टाइम्स कुरान शरीफ में मेंशन है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेम मेंशन इन द होली कुरान 69 टाइम्स, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उसका जो नाम मुबारक है वो कितने टाइम है, 69 टाइम उसको मेंशन किया गया है कुरान शरीफ में। सारा वाज दी फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो सारा थी वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी।
हज़रत हाजरा वाज दी सेकंड वाइफ ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सेकंड वाइफ थी वो कौन सी? वो हज़रत हजरा थी। हज़रत हाजरा वाज दी मदर ऑफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ठीक है, जो हज़रत हाजरा है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदर थी। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, आपको याद रखनी है, ऐसे भी जो है ना पॉइंट्स जो है टेस्टों में आती हैं ज़्यादातर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नोन एज दी अब्राहम इन दी हेब्रू बाइबल। ठीक है, जो बाइबल किताब है उसमें जो है ना इसका नाम जो है ना इब्राहम से जाना जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहिम सलावात इज़ खलीलुल्लाह। ठीक है, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसका जो टाइटल है वो क्या है? वो खलीलुल्लाह है। हज़रत इब्राहिम वाज़ द सन ऑफ आज़र। ठीक है, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो किसका बेटा था? वो आज़र का बेटा था। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज़ बॉर्न इन द एंशेंट सिटी ऑफ द चाल्डिया आल्सो नोन एज बेबीलोनिया। तो या बेबीलोन ये एक जो है ना ये सिटी था, ये अब इराक में मौजूद है, बेबीलोनिया या बेबीलोन। मतलब कि आपसे ये पूछा जाएगा जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है वो कहाँ पैदा हुए थे? वो बेबीलोनिया या बेबीलोन में, या उसको जो है ना ये चालदिया भी कहा जाता है अभी जो वो इराक में मौजूद है। द मिरेकल अल्लाह अल्लाह सेव्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ्रॉम द फायर। ठीक है, तो जो है ना अल्लाह ताला का ये भी जो है एक मतलब कि मराकल ऑफ अल्लाह सेव्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ्रॉम द फायर। तो हज़रत जो अल्लाह ताला है जो है ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है ना आग से बचाया था। द हेयर कॉम्ब इन्वेंटेड बाय हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जो हम जो है ना ये देते हैं हेयर कॉम बालों को, तो वो किसने जो है ना इजाद की थी? वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी। द नेशन ऑफ द हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फेस्ड द कलेमिटी ऑफ द मॉस्किटोज़। ठीक है, तो ये जो है ना मॉस्किटोज जो है ना मच्छरों का उस पर जो है ना ये थोड़ा सा अजाब आया था। 12 सन्स वर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे थे? बेटे थे, वो 12 बेटे थे। ग्रेव ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन सऊदी अरबिया। जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है वो सऊदी अरबिया में मौजूद है। और द प्लेस चूजन टू सेक्रीफाइस हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाज़ अ मीना। ठीक है, तो जो जगह जो है ना चूज़ की गई थी जो हज़रत इस्माईल इस्लाम को कुर्बानी देने के लिए, वो कौन सी थी? वो मीना थी। ठीक है, ये मीना आप याद रखें। 12 टाइम मेंशन्ड इन द होली कुरान। जो हज़रत इस्माईल इस्लाम है वो जो है ना 12 दफ़ा कुरान शरीफ में मेंशन किया गया है इसका नेम। इस्माईल इस्लाम फील्ड एंड थर्स्टी वॉज ग्रोइंग ड्यू टू हिज किराए मदर बिकम एंशियस। शी रश टू दी नियर बाय हिल लेटर ऑन दी सफ़ा एंड मरवा। ठीक है, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है प्यास लगी थी, तो उसकी जो माँ थी उसको जो है ना रोते हुए देखे, वो क्या एक मतलब कि शॉक हो गई कि मेरा बच्चा रो रहा है, उसको जो है ना पीने के लिए पानी नहीं है। तो वो जो है ना जो सफ़ा एंड मरवा है उस जो पहाड़ है उसकी तरफ जो है ना चली गई। एंड 7 टाइम प्रेइंग टू द अल्लाह फॉर द हेल्प। एंड जो है 7 बार जो है ना उसने अल्लाह ताला से जो है ना मदद मांगी। एंड शी डिड नॉट फाइंड वाटर। जो है ना तभी भी उसको पानी कहीं से जो है नहीं मिला। शी रिटर्न लुक्ड हर सन। एंड जब वो वापस आई और जो अब उसने जो है ना अपने जो बेटे को देखा, तो वो जो है ना ऐसे खुशी खुशी से जो है ना जो जो हमारा अपनी जो जो फीट है वो जो है ना ज़मीन पे मार रहा, तो शीशा फाउंटेन आउट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, तो जो है ना वहाँ पे जो है ना पानी इसको नज़र आया। एंड देयर वाज वाटर शी रैन एंड शी ड्रैंक हर सेल्फ एंड फूड हर चाइल्ड दैट वाटर। ठीक है, तो ये जो है ना अभी जो हम जिसको वो
जो पानी होता है, अब जब भी हम जाते हैं तो सफ़ा और मरवा के जो है चक्कर लगाते हैं, और ये जो है ना हम जो हज करने या जब उम्रा करने जाते हैं तभी ये हम करते हैं, सफ़ा और मरवा के साथ दो साथ जो है ना हम चक्कर लगाते हैं। अल्लाह टेस्टेड हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन डिफरेंट वेज टू ऑर्डर टू सेक्रीफाइस हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाज वन ऑफ द टेस्ट। इस्माईल वाज 13 ईयर ओल्ड दैट टाइम। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है ना आजमाया था, कैसे आजमाया था कि उसने जो अपने बेटे को है ना कुर्बानी देनी है, मतलब कि वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मतलब कि हज़रत अल्लाह ताला ने जो है ना ये हुक्म दिया था या आजमाना चाहते थे हज़रत अल्लाह ताला, तो जो है ना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जो है ना कुर्बानी दे दो, तो उसकी उम्र उस टाइम की कितनी थी, वो 13 साल थी। जो हम अभी जो है ना ईद उल अज़हा मनाते हैं उसमें हम कुर्बानी करते हैं, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। रबी का वादी फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जो रबीका थी वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी। एंड हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम वाज़ दी प्रॉफिट ऑफ ज्यूज़, जो ज्यूज़ हैं जिसको हम ईसाई कहते हैं, उसका जो जो पैगंबर था वो कौन था, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम था। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम लॉस्ट हिज आई सिंगल आई साइट इन दी ओल्ड एज। ठीक है, जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है तो उसकी जो आँखों की रोशनी थी वो ख़त्म हो गई थी जब वो बूढ़े हो गए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वाज़ दी सन ऑफ़ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एंड हज़रत इसराइल वाज़ दी टाइटल ऑफ़ दी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो जो है ना इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था। ये जो है ना आपको याद करना है और लिखना भी है, बुक पर आप नोट करते जाएं, क्योंकि ये जो है ना 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वाज बॉर्न इन पैलेस्टाइन, जिसको हम अभी जो है फ़लस्तीन कहते हैं, अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ पर पैदा हुए थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाज दी सन ऑफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आफ्टर 40 ईयर्स हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मीट विद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो आपको ये जो है किस्सा कई बार आपने सुना होगा अपने जो है ना जो हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ये जो है ना जो अपने बेटे से तकरीबन 40 साल बाद में मिला था, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे उन्होंने इसको कुएं में जो है ना फेंक दिया था, और उसके बाद जो वो जो है ना एक मुल्क का बादशाह बन गया था, तो उसके बाद में जो है ना हज़रत यूसुफ जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिले थे। द रियल नेम ऑफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाज राहील, और जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो रियल नेम था वो राहील था। एंड रियल ब्रदर ऑफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाज बिन्यामीन, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो जो सगे भाई थे वो बिन्यामीन थे। एंड 11 स्टार्स सीन बाय द हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इन ड्रीम, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था कि जो है ना 11 सितारे, एक चांद और एक जो सूरज है ना मुझे वो सजदा कर रहे हैं, तो उसने ये जो है ना ख्वाब देखा था। ब्रदर्स थ्रू हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इन टू वेल, मैंने आपको पहले ही बताया, जो जो उसके भाई थे उनको जो है ना एक कुएं में जो है फेंका था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। 15 ईयर्स ऑफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम व्हेन ही वाज बॉर्न थ्रू इन दी वेल। ठीक है, तो जब जो है ना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 15 साल के थे जब उनको अपने भाइयों ने जो है कुएं में जो फेंका था। 3 डेज हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रिमेंड इन दी वेल, जो है ना 3 दिन उसी कुएं में जो है ना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गुजारे थे। इन इजिप्ट इजिप्ट हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाज सोल्ड एज ए स्लेव। ठीक है, जो हैं जो इजिप्ट है अभी उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क्या बेचा गया था, एज अ स्लेव। ठीक है, स्लेव मीन्स जो गुलाम होते हैं उसको कहते हैं, मतलब उसको बेचा गया था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 11 ईयर्स रिमेंड इन जेल, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है 11 साल मतलब कि वो जेल में भी रहे थे, और
cast it on my father's face and he will recover his sight and came to me will all your family. These are the words of Hazrat Yusuf Salam to his brother. ठीक है, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है एक एक जो है कपड़ा दिया था वो अपने भाइयों को, तो उन मतलब कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को तो पहचाना था, तो उसको ये कपड़ा दिया था। उसने कहा कि हज़रत जो मेरे भाव हैं उसके जो है जो हमारा मुँह मुबारक है उस पर ये जो है घुमा दें और उसकी जो है आँखों की नज़र वापस आ जाएगी और बाद में जो है आप मुझसे मिलने आना। ये जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ थे जो उन्होंने अपने जो भाइयों से बोले थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फैमिली कार्ड इसराइल। ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज़ फेमस फॉर हिज ब्यूटी। जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे वो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत जो है मशहूर थे। तो आपने वो ज़ुलैखा वाला जो है किस्सा सुना होगा, तो उन्होंने अपने दरबार में जो है अपने दोस्तों को दावत दी थी, तो जब भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए थे वो तो उसको उसके जो दोस्त मतलब कि जो औरतें थी वो जो है कुछ फ्रूट काट रही थी सारी। तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दाखिल हुए तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो खूबसूरती देखकर वो अपने जो है हाथ काट दिए थे, तो इतने जो है हसीन थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। द नेम ऑफ वाइफ ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज़ ज़ुलैखा। ठीक है, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो बीवी का नाम था वो क्या था, ज़ुलैखा था। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, तो जो है दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।